हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज सोमवार और दोपहर के करीब 2 बज गए हैं। तो आज क्या हुआ कि सुबह से ही मैं घर की क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, तो बिल्कुल भी मैंने आज रेस्ट किया ही नहीं। तो बस सुबह की क्लीनिंग के बाद मैंने शावर लिया और अब जो है ये कपड़े भी धुल चुके हैं जो कि मैंने मॉर्निंग में ही लगाए थे, तो इनको डाल देंगे। हल्का सा जो है ना मौसम साफ होने लगा था इस समय, तो हल्की हल्की सी धूप भी आ गई थी। तो मॉर्निंग की जल्दी जल्दी से मैंने क्लीनिंग की, उसके बाद दोपहर का लंच बनाया और आज जो है दोपहर का लंच भी बस ऐसे ही शॉर्टकट में बना दिया था। और लंच वगैरह करने के बाद जो है मैं अगेन फिर कामों में लग गई थी। तो अब जो है मैं करूँगी अपने किचन की सफाई, क्योंकि किचन बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी मेरी। तो अभी सबसे पहले चिमनी के जो फ़िल्टर होते हैं ना, इनको मैंने निकाल लिया है और गर्म पानी कर दिया था गीजर में, खौलता हुआ पानी, उसमें जो है दोनों फ़िल्टर को मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सर्फ डाल के। तो जितनी देर में मैं अपनी किचन क्लीनिंग करूँगी ना, तब तक फ़िल्टर में जितनी भी गंदगी जमा होगी, जैसे ऑयल जमा हो जाता है ना, तो वो सारा निकल जाए। सबसे पहले मैंने बर्तनों को अरेंज कर दिया था जो कि मैंने सुबह धोए थे, और उसके बाद मैं करूँगी अब किचन कैबिनेट्स को क्लीन। तो ये मैं बाहर से क्लीन करूँगी, जाने से पहले मैं अंदर से भी पूरे कैबिनेट्स क्लीन करके गई थी, तो अभी इतने गंदे नहीं हुए हैं क्योंकि अंदर धूल तो जाती नहीं है, तो इस वजह से जो है मुझे बाहर बाहर ही क्लीन करना है। तो बस अभी मैंने कॉलिन ले लिया है और एक साफ सॉफ्ट कपड़ा लिया है और अच्छे से जो है ना पूरा किचन जो है मैं इससे क्लीन कर दूँगी। तो मुझे ये था कि बस जल्दी से मेरी सारी की सारी क्लीनिंग निपट जाए, इस वजह से जो है मुझे दिन में नींद भी नहीं आ रही थी। कोशिश तो मैंने की थी कि लंच के बाद जो है मैं सो जाऊँ, बट मुझे लगा कि नहीं, सोते नहीं है, पहले अपना काम निपटाते हैं, बाकी रेस्ट जो है बाद में करेंगे। और किचन गंदी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ऊपर वाला सारा पोर्शन जो है मैंने क्लीन कर दिया है, अब चिमनी में मैंने केमिकल डाला है और उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से मैं रब करूँगी, तो ये सारा जितना भी गंदगी है ना चिमनी में ये निकल जाएगी। अच्छा, ये जो केमिकल है, ये जो मैंने आपको टैप और शावर क्लीनर दिखाया था ना प्योर कल्ट का, तो ये वही वाला है। तो इससे चिमनी भी जो है साफ़ हो जाती है, चिमनी का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो क्लीन करते हैं इससे, फ़िल्टर वगैरह जो है गर्म पानी से ही क्लीन होते हैं। तो सारा ऊपर वाला पोर्शन क्लीन कर दिया है, चिमनी भी मेरी क्लीन हो गई है, अब जो ये नीचे वाले कैबिनेट्स हैं इनको क्लीन कर देते हैं। और किचन कैबिनेट्स क्लीन करने के बाद अब बारी आई है दोपहर के बर्तनों को क्लीन करने की। तो इससे पहले जो बर्तन मैंने अरेंज किए थे वो मॉर्निंग वाले बर्तन थे जो कि सूख गए थे, और अब ये हैं दोपहर वाले बर्तन। और बर्तनों को क्लीन करते करते ही जो है मैं आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। तो काफ़ी दिन से आप पूछ रहे हैं कि दीदी दिव्या कहाँ पर रहती है, तो दिव्या जो है हमारी ही सोसाइटी में रहती है, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर दिव्या रहती है, और सेम टावर में ही हम लोग रहते हैं। और आप लोग ये भी बोल रहे थे कि दी आप दिव्या का घर भी दिखाइए, तो इसी व्लॉग में जो है थोड़ा सा मैं आज उसका घर भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले काम कर लेते हैं, घर में आपको बाद में दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं दोपहर के बर्तन भी क्लीन करने लगी हूँ, साथ ही साथ जो है मैंने कपड़े भी लगाए हुए थे, तो मतलब 2 बार के तो धुल चुके थे, थर्ड टाइम के कपड़े मैंने फिर लगाए थे क्योंकि वहाँ से मैं आई थी ना, तो बहुत सारे कपड़े भी थे जो वॉश करने थे मुझे। तो दोपहर के बर्तन भी वॉश हो चुके हैं, अब मैं जल्दी से करूँगी अपनी हॉब को क्लीन, और साथ ही साथ जो है ना मैं काउंटर टॉप भी क्लीन करूँगी और ये जो मेरी टाइल्स हैं इनको भी क्लीन करूँगी। तो अभी जो है मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा प्रिल लिया है स्क्रबर में, और उससे जो है गैस मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि गैस पर भी ना फ़िल्टर का जो ऑयल होता है ना चिमनी के फ़िल्टर का ऑयल वो गिर गया है। थोड़ा सा प्रिल लगा लिया है, और प्रिल से क्लीन करने के बाद अब पूरे काउंटर टॉप को भी मैं इसी तरीके से जो है ना
से ही मैं क्लीन कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अच्छे से सफाई हो जाती है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बाहर थे, घर बंद था, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी धूल हो रही थी। तो वैसे तो नहीं दिखता है कैमरे में, लेकिन हम लोगों को दिखता है, जैसे हम सामने से देखते हैं ना, तो पता चलता है कि हाँ सच में गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो पूरा काउंटर टॉप भी अभी मैं क्लीन कर लूँगी। और पूरा काउंटर टॉप भी क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है टाइल्स को क्लीन करने की। तो किचन की टाइल्स मैं कॉलिन से क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो साइड वाली टाइल्स है ना, ये ज़्यादा चिकनी नहीं होती है, तो ये कॉलिन से क्लीन हो जाती है। लेकिन जो फ्रंट वाली टाइल होती है, जो बिल्कुल हॉब के सामने है ना, उनका कुछ हिस्सा चिकना हो जाता है, क्योंकि जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो छींटे वगैरह पड़ते हैं। तो सबसे पहले उनको जो है मैंने प्रिल से क्लीन किया, और उसके बाद जो है मैंने उसे कॉलिन से क्लीन किया। तो ये देखिए पूरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है, और अब जाके जो है मुझे शांति मिल गई थी इस टाइम तक कि चलो फाइनली जो है, थक तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन वही है कि सफाई मेरी हो चुकी थी। तो सारी क्लीनिंग करते करते जो है अभी टाइम हो गया था 4:30, तो मतलब अभी 4:30 बज चुके थे, और यहाँ पर मैं अभी भी रेस्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे अभी अपने कपड़े भी फोल्ड करने हैं, काफ़ी सारे कपड़े, और जो कपड़े फैले रहते हैं ना, तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो जल्दी से यहाँ पर थोड़े से कपड़े हैं जो मैं इन्हें फ़ोल्ड कर दूँगी, और जल्दी से जो है इनकी जगह पर इनको अरेंज कर दूँगी, और उसके बाद ही जो है मेरी चाय का भी टाइम हो जाएगा। तो पहले ये सारे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे किचन में, क्योंकि इवनिंग की चाय पियेंगे, और आगे अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। और आज जो है देवर का मेरे बर्थडे भी है, तो नाइट में हम लोगों का खाना वहीं पर है, तो नाइट का मुझे आज कुछ नहीं करना है, मतलब खाना वाना नहीं पकाना है, खाने वाने की टेंशन से मैं आज दूर हूँ। तो उसके बाद जो है बर्थडे पार्टी में जाएंगे हम, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने घर के इस समय सारे काम निपटा रही थी। तो चलिए कपड़े भी जो है फोल्ड होके अपनी जगह पर अरेंज हो गए हैं, और ये जो है मैं आपको इवनिंग के टाइम का जो है व्यू दिखा रही हूँ। फिर से थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई, और अभी बादल भी लग रहे हैं, शाम के 5:30 बज चुके हैं, और किचन में आ गई हूँ मैं, क्योंकि अब टाइम हुआ है बच्चों को दूध देने का, और साथ ही साथ अपने लिए चाय भी बनाने का। सबसे पहले जो है दूध की मलाई को अलग कर लेते हैं, और अब जो है मैं पैकेट वाला मिल्क यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि जिनसे हम मिल्क लेते थे ना, जिन भैया से, वो कुछ गड़बड़ करने लगे थे मिल्क में, मतलब कुछ मिला के लेकर आते थे, तो हमने वो वाला दूध बंद करा दिया है। और अमूल का बफेलो मिल्क आया है, जो कि मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और बहुत अच्छा मिल्क है वो, और उसकी मलाई भी बहुत अच्छी लगती है, तो वही यूज़ कर रही हूँ मैं। लेकिन आज हुआ ये कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया मिल्क लेने के लिए, तो जब तक मैं शॉप में पहुँची ना, तो वो वाला मिल्क ख़त्म हो चुका था, फिर मुझे ये फुल क्रीम वाला मिल्क लेकर आना पड़ा। ये वाला मिल्क भी ठीक है, पहले मैं इसको यूज़ करती थी जब वंशिका छोटी थी, उसके बाद फिर मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया, लेकिन इससे भी अच्छा वो जो बफेलो मिल्क आया है ना, वो है। बच्चों को दे दूंगी अब मिल्क। और यहाँ तक जो है मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ना, कि मतलब 1 मिनट का भी रेस्ट मैंने आज नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी। मतलब 5:30-6 बजे का टाइम ऐसा हुआ कि मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, मुझे लगा कि मैं सो जाऊं, लेकिन आजकल वही है कि अंधेरा इतनी जल्दी हो रहा है ना, मतलब 6:15-6 बजे तो अच्छा वाला अंधेरा हो जाता है, फिर वही लगा कि अब सो के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना था। तो
यहाँ पर हम आ चुके हैं दिव्या के घर। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे देवर का बर्थडे था, तो बस यहीं पर हम लोग केक कट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ना दिव्या मम्मी जी को भी दिखा रही थी, क्योंकि मम्मी जी का भी कॉल आ गया था। तो बस केक वगैरह कट करने के बाद अब हम लोग करेंगे साथ में डिनर, और इसके साथ ही मैं करूँगी अपने इस वाले व्लॉग का एंड। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।